विग्रहवान धर्म है, अर्थात राम साक्षात धर्म के कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भारत की संस्कृति की चेतना है राम। उनके धाम अयोध्या में दिव्य और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले अयोध्या धाम जंक्शन का उपहार दे रही है मोदी सरकार। साथ ही देशवासियों को मिल रही है 2 अमृत भारत ट्रेन, 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई रेल परियोजनाओं की सौगात। इस पुनर्विकसित स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। पूजा की सामग्री से लेकर छोटे बच्चों की देखभाल तक की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को ना हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल भी, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृत काल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बढ़ी है सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का हो रहा है आज शुभारंभ। साथ ही अयोध्या की इस पावन धरती से आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, जो चलेंगी अयोध्या और दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली, कोयंबतूर और बेंगलुरु, मैंगलुरु और मडगांव, जालना और मुंबई के बीच। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल प्रोजेक्ट के लगभग 152 किलोमीटर के विभिन्न रेल खंड का, मल्हौर डालीगंज रेल खंड के डबलिंग और विद्युतीकरण का और रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का कर रहे हैं देश को समर्पण। विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार कर रही है भारतीय रेल। इन अत्याधुनिक स्टेशनों और ट्रेनों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा। वहीं विकसित भारत का पथ भी होगा प्रशस्त।